महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के 180 तहसीलों में अकालग्रस्त घोषित किया। मराठवाड़ा, विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के कई तहसील इस लिस्ट में शामिल हैं। सूखे की मार झेल रहे आधे महाराष्ट्र के लिए आज सरकार की तरफ से राहत भरी खबर आई है। आज सरकार ने सूखा प्रभावित 180 तहसीलों में अकाल घोषित कर दिया है। आज महाराष्ट्र के 180 तहसीलों में हमने अकाल सदृश स्थिति घोषित की है। इस साल बारिश में 197 जिलों में सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की गई थी। इनमें से 27 तहसीलों में तो सामान्य से 50% कम बारिश हुई थी। ऐसे में किसानों को खेती में फायदा ना होना लाजमी था और कर्ज में डूबे किसान सरकार से उम्मीद लगाए बैठे थे। वहीं सूखा घोषित ना किए जाने पर सरकार में रहकर सरकार के ही खिलाफ मोर्चा खोलने की धमकी दे चुकी शिवसेना अब इस फैसले का क्रेडिट लेने की पुरजोर कोशिश में है। माननीय पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे, इन्होंने जो कल अपनी भावना व्यक्त की सूखे के बारे में, उसका जवाब आज माननीय मुख्यमंत्री ने अत्यंत नम्रतापूर्वक सूखे के बारे में जो तुरंत करना है वो कर बताया है। महाराष्ट्र देश के उन राज्यों में गिना जाता है जहां किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या करते हैं। साल 2016 में 3052 कर्ज में डूबे किसानों ने आत्महत्या कर ली, जबकि 2017 में जनवरी से अक्टूबर तक ही 2414 किसानों ने मौत को गले लगा लिया। महाराष्ट्र के 57.3% किसान कर्ज में डूबे हैं। यही नहीं, अगर औसत निकाला जाए तो किसानों से जुड़े हर परिवार पर 54,700 रुपए का कर्ज है, जबकि महाराष्ट्र के किसानों की औसत सालाना आय महज 1,33,000 रुपए है। जाहिर है महाराष्ट्र में हालात इतने खराब हैं कि ऐसे में आधी से ज्यादा तहसीलों को अकाल ग्रस्त घोषित कर फडणवीस सरकार 2019 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इसका फायदा उठाने की कोशिश जरूर करेगी। मुंबई से ऋत्विक भालेकर की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।